हेलो गाइस, आई मने आज हम बात करना चाहते हैं कि पिंपल्स होते हैं या काले काले धब्बे पड़ जाते हैं फेस पे, तो उनको कैसे मिटाया जाए, उनके लिए आप कौन सी क्रीम यूज़ करें, कौन सी ना करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये होती है, जिसके बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं उसने बहुत सी क्रीम्स यूज़ पहले से कर रखी है, तो अगर उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा हो तो आज मैं इस वीडियो में वही बात बताने वाला हूँ कि आप कौन सी क्रीम यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जो काले काले धब्बे हो जाते हैं फेस पे, उससे आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाता है। आपको खुद से मतलब हेट सी होने लगती है कि मेरे फेस पे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो आज हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक क्रीम की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है मेलास। तो वो क्रीम आप कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ ना करें, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, तो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्रीम की जिसका नाम है मेलास। तो इसको कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ ना करें, पहली बात तो अपन इसको ओपन करते हैं। ओपन तो इसमें ये निकलता है, इसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मेलास अल्बा क्रीम, इसका नाम है मेलास अल्बा क्रीम। ये आती है 99 रुपीज़ की। तो चलिए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जिसका फेस ज़्यादा ही ख़राब है वो इस क्रीम को यूज़ कर सकता है। जिसका फेस थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़े थोड़े काले धब्बे हैं, अगर वो उसमें हैप्पी है तो वो इस क्रीम को यूज़ मत करना। इस क्रीम को वही लोग यूज़ करना जो कि इसको बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि इससे फेस तो सही हो जाता है, काले काले आपके जो पिम्पल्स होते हैं वो भी मिट जाते हैं। पर इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर ऊपर की स्किन निकलने लग जाती है। अब स्किन निकलने के बाद आप सोचो आपका फेस कैसा लगने लगेगा। आपको सिंपल सी बात बताओ, जैसे कि सांप की काचली रहती है ना, बिल्कुल पैसा लगने लग जाएगा। मैं इसको कम से कम 8-9 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, आप मेरे फेस को देखिए। ये उन लोगों के लिए है, पहली बात तो जिसकी पतली स्किन है वो इसको यूज़ कैसे करे, जिसकी मोटी स्किन है वो इसको यूज़ कैसे करे। तो पहले हम पतली स्किन वालों की बात करते हैं। आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए, हफ्ते में एक बार। स्टार्टिंग में आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी पूरी स्किन निकल जाएगी। इसके बाद होता है आपका फेस रेड रेड, यानी पूरा फेस लाल पड़ जाता है। तो आपका फेस अगर लाल पड़े तो इसको हल्की साल बंद कर देना, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। फिर बात आती है जो पतली स्किन वाले लोग होते हैं, मेरी स्किन भी पतली है, तो आप अगर इसको लगा के धूप में निकलेंगे, इसको लगा के धूप में बिल्कुल नहीं निकलना। इसको आप पानी से वॉश करो या साबुन से वॉश करो, इसके बाद ही आप धूप में निकलो, नहीं तो मत निकलो। अगर आप इसको लगा के धूप में जाओगे तो आपका फेस बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो पतली स्किन वाले होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप अगर इसको हर रोज़ ही यूज़ कर रहे हो और इसको लगा के धूप में भी जा रहे हो, इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करना है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, एक तो आपका फेस पूरा लाल हो जाता है, इससे पिंपल्स और काले धब्बे तो सही होते हैं बट आपका फेस बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो, और ये साइड इफ़ेक्ट करने लग जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी ये आपका फेस रेड रेड दिखे आप इसको तुरंत बंद कर दो, इसको यूज़ ना करें। फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है, पूरी स्किन लाल हो जाती है। फिर लाल होने के बाद वो मतलब कि कड़ी कड़ी रहती ना, जैसे कि दूध पे पकती चढ़ती है, बेसिक वैसे आपके फेस पे चढ़ने लग जाती है। इसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर क्या होता है, जब आप उस पपटी को निकालोगे ना तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है,
ब्लड निकलने लगता है, यानी इसका बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होता है अगर आप इसको एवरीडे यूज़ करोगे तो। अगर आप इसको एवरीडे यूज़ ना करके वीक वीक में एक दो बार यूज़ करोगे तो आपको इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। बात आते हैं जिसकी मोटी स्किन है, तो मोटी स्किन वाले इसको हफ्ते में 3 बार 4 बार यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होगा। जिसकी मोटी स्किन है उसको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका फेस रेड नहीं पड़ेगा। अब कैसे नहीं पड़ेगा, बात ये होती है कि जिसकी पतली स्किन होती है ना उसकी ये स्किन निकाल देती है, इसके बाद जो उसके अंदर की स्किन आती है ना वो रेड रेड आती है, और जो मोटी स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन निकलने के बाद भी उनकी स्किन मोटी ही रहती है। तो आप इस बात को बहुत ही गौर से ध्यान से सुनिए, ये पतली स्किन वालों के लिए बहुत कम फायदेमंद है और मोटी स्किन वालों के लिए हद से ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साइड इफेक्ट होने के तुरंत बाद इसको मतलब लगाना छोड़ना नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा कम करना है। आपको दिखे कि आपका फेस ज़्यादा ही रेड हो गया, आपको दिखे कि हमारे पिंपल सही हो गए, इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो, फिर ये एकदम से बंद नहीं हो पाएंगे। इसकी एक बहुत गंदी आदत है, यानी अपने को आदत सी पड़ जाती है कि हमारा फेस इससे अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको एकदम से नहीं छोड़ सकते हो। यही तो इसकी वो है क्वालिटी, इससे फेस एकदम ग्रो करने लग जाता है, आपका फेस रेड आपको रेडी अच्छा लगेगा, आपका फेस वाइट आपको वाइट ही अच्छा लगेगा। इससे क्या होता है, ऊपर ऊपर की पूरी स्किन निकलने लग जाती है, मिलास इसमें इतनी केमिकल होता है, इसमें इतना मेडिकल केमिकल होता है कि आपकी एक दो बार में पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी स्किन ऐसे निकल जाएगी, जैसे कि आटा रहता है आटा, उसी टाइप से आपकी स्किन निकल जाएगी। मोटी स्किन वालों को इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा काले काले गड्ढे हैं, काले काले धब्बे हैं, आप मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें, बट इसको वीक में एक या दो बार ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा ना तो डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं ना मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा। तो सबसे सिंपल और नॉर्मल सी बात है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फेस पे पिंपल, आजकल हर कोई हैंडसम बनना चाहता है, आजकल हर कोई सोचता है कि हमारा फेस क्लीन रहे। आप गोरे हो अच्छी बात है, आप काले हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन जो मीडियम लोग रहते हैं ना उनके जो पिंपल्स निकलते हैं ना उनको ना उनसे मतलब कि सेम फील होती है, शर्म सी फील होती है कि हमारे ये क्यों क्यों निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं निकल रहे हैं, हमारे क्यों निकल रहे हैं। तो इसी दौर में आके आप तरह तरह की मेडिकल क्रीम, इसको लगाया उसको लगाया फलाना टिकाना, बहुत हद से ज़्यादा मेडिकल क्रीम आने लग गई है जिसके सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, फेस से ब्लड निकलने लग जाता है, लोग इतने तेज परेशान रहते हैं पिंपल से। आप किसी को ना लगाएं, आप इसको लगाएं वीक में एक दो बार, और अगर आपका फेस ज़्यादा ही रेड हो जाए तो वीक में इसको एक बार, अगर इससे ज़्यादा रेड हो जाए तो महीने में एक ही बार लगाएं, और फिर इसके बाद जो मेडिकल क्रीम आती है आपके रेड फेस को वाइट करने के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इसको देखें, इसको जो डिस्क्रिप्शन में जो भी इसके ये है इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, इसमें सब कुछ दे रखा है। आप इसको गौर से पढ़ें, आपके क्या क्या रिएक्शंस हैं, आपके फेस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बात, अगर आपके फेस पर ज़्यादा ही पिंपल्स हैं, ज़्यादा ही मीडियम है, तो इसको यूज़ ना करें, बहुत ख़तरनाक है। अगर ज़्यादा ही है तो इसको आप 100% मैं बोल रहा हूँ इसको यूज़ करें, और जैसा रिएक्शन हो इसको तुरंतली बंद कर देना है। सोचना नहीं है कि हमारा फेस अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, बट इसको बंद कर देना। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न आपको बहुत
ज़्यादा मतलब कि आपसे बोलेंगे कि आप इसको यूज़ ना करें, इससे आपका फेस रेड हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, बट आपको अपनी पड़ी रहती है कि हमारा फेस हमको क्लीन करना है, तो आप इससे कीजिए। बट पतली स्किन वाले इसको बहुत कम यूज़ करें, और मोटी स्किन वाले ज़्यादा भी करें तो उनको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बात यही आती है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज़ आप इसको यूज़ कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको इससे लाभ हुआ हो तो उसके बारे में लिखे, इससे इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके बारे में लिखे, इससे हानि हुई हो तो उसके बारे में लिखे, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखे। आप शर्माइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैंने अभी भी इसको यूज़ करता हूँ, सो प्लीज़ इसको लगाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।